नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लास में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें कर रहे थे नीट रिवीजन चैप्टर का नाम था वर्क पावर एनर्जी। लेक्चर वन में हम पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। वैसे भी वर्क पावर एनर्जी कोई बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, वर्क के बारे में अपन बात करते हैं फिर कैसे एनर्जी और वर्क आपस में कनेक्टेड है। फिर अभी अपने पास वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन अभी अपन पढ़ने वाले हैं, खास करके वर्क एनर्जी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अपन बातें करेंगे पावर की, और अगर डिटेल्स में ये सब जानना है तो अपन ने बहुत ज्यादा डेप्थ में 7-8 लेक्चर में इसको कवर किया है, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। हालांकि ये रिविजन वीडियो है तो यहाँ पे अपन टू दी पॉइंट जो कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं वो की जाएगी, सपोर्टेड बाई कुछ सवाल जिन सवाल का लेवल आपकी नीट और उसके आसपास का रहता है, ताकि आप जो है वैसे सवाल बहुत ज्यादा सॉल्व करें, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आते नहीं है। बस बार बार मास्टर ये इसलिए बता रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि सवाल की डिफिकल्टी बड़ा मैटर नहीं है, वो सवाल को आप आसान वाले सवाल को बहुत तेजी से सही सॉल्व कर लें, ये ज्यादा जरूरी है। अभी लेटेस्ट जो कुछ सालों के पेपर्स का एनालिसिस अगर अपन करके देखें तो सवाल की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है। कहीं ना कहीं आप के देखे टाइप के होंगे, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है बस आपको सिली मिस्टेक कम करके एग्जाम में उसको सही से एग्जीक्यूट करना है, दैट्स ऑल। आइए अकेला शुरू करते हैं। हेडिंग आप डाल दीजिए वर्क पावर एनर्जी और उसमें डाल दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत सारे सवाल इस चैप्टर के इसी थ्योरम के उपयोग से होते हैं। क्या बोलती है ये थ्योरम? प्रूफ प्रूफ हमने डिटेल्स में पहले दे रखा है। ये थ्योरम की सीधी बात करते हैं अपन, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस मतलब सारे तरह के फोर्सेस, इसमें कंजर्वेटिव आते हैं, इसमें नॉन कंजर्वेटिव आता है, सूडो आता है, एक्सटर्नल फोर्स, सब तरह के जो फोर्स बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं उनके द्वारा टोटल जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, अगर अपन ध्यान से देखें तो हम ये जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी कि माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो कि हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बनेगा। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस को अपन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बोल सकते हैं। अगर किसी सिस्टम पे अगर if only conservative forces are acting, किसी सिस्टम पे सिर्फ conservative force लग रहे हैं तो भैया उसमें सिर्फ conservative forces का ही वर्क डन आएगा, and that is equal to u initial minus u final and that is equal to k final minus k initial, यानी कि u initial minus u final जो हो जाएगा वो आपका k final minus k initial के बराबर हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ, ui plus ki is equal to u final plus k final, यानी कि ये है बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ऐसा कब होता है, जब सिस्टम के ऊपर, ऐसा तब होता है जब सिस्टम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, एक आध नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क आ रहा होगा फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। इन सब बातों से अपन सारे सवाल कर डालते हैं ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो आपका हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक सवाल से अपन जैसे मान लो एक आध सवाल ले लेते हैं, मान लो कि अपना नीट में ये चेन वाले सवाल फेवरेट है नीट के, मान लो कि एक चेन है अपने पास, एक चेन है मान लीजिए इसका मास m है, लेंथ l है और वो एक स्मूथ टेबल पे रखी हुई है, यानी म्यू जीरो है ना, एकदम चकाचक टेबल के ऊपर उसको रखा गया है जहां पे फ्रिक्शन जीरो है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, हल्का सा इस वाले चेन को मैंने इधर जर्क दिया, थोड़ा सा खींचा तो क्या होगा, लल्ला चेन भाग जाएगा ना, इधर भाग जाएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। थोड़े टाइम बाद में एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पूरी की पूरी चेन ऐसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, जस्ट वर्टिकल हो जाएगी, है ना। पहले पूरी की पूरी क्या थी, हॉरिजॉन्टल थी, अब क्या हो गई है, जस्ट वर्टिकल। तब मान लीजिए कि इसकी रफ्तार v है, तब मान लीजिए कि इसकी रफ्तार क्या है, v है, तो मुझे बताइए कि ये v क्या होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जर्क लगाया है जिससे कि ये इस ऐसी रूप में आ जाएगा, जब ये जस्ट वर्टिकल हो जाए
तब इसकी रफ्तार वी बताइए, तब इसकी रफ्तार वी बताइए। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक नॉर्मल इन्वॉल्व होगा और ग्रेविटी इन्वॉल्व होगा। नॉर्मल इस पे ऊपर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका इस साइड है, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो आएगा, मतलब वर्क डन सिर्फ और सिर्फ किसका आने वाला है, ग्रेविटी का आने वाला है। किसका आने वाला है, ग्रेविटी का आने वाला है। और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन आता है, काइनेटिक एनर्जी आती है एंड पोटेंशियल एनर्जी आती है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस लेवल ले लू, अब आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज होती नहीं है। क्या किया जाता है, एक रेफरेंस ले लिया जाता है, उसके रेस्पेक्ट में अपन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। हम किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, बस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, मान लीजिए ये मेरा रेफरेंस लेवल है, मान लीजिए कि ये मेरा रेफरेंस लेवल है, यहां का यू मैंने क्या मान लिया है, जीरो मान लिया है। मैंने कहा अच्छा, तो ये रेफरेंस लेवल से नीचे जा रही है, यानी कि लॉस हो रहा है। किसमें लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही किसमें क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में क्या था, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ये रुका था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन जैसे ही ये जस्ट वर्टिकल, मतलब इसमें रफ्तार आने लगेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, नीचे जाने लगेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो भैया अगर आप ध्यान से देखें, जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ होगा उतना ही क्या हुआ होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये रेफरेंस लेवल है। अब आप जानते हैं कि mgh, h वहां पे हाइट होती है रेफरेंस लेवल से, किसकी, सेंटर ऑफ मास की। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, बाद में ये यहां पहुंच गया है, यानी ये रेफरेंस लेवल से एल बाई टू नीचे पहुंच जाएगा। काय को बोला मास्टर ने ऐसा, क्योंकि एल लंबाई की चेन है तो सेंटर यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, वो हुई है आपकी एम जी एच, और एच की वैल्यू क्या है, एल बाई टू है, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, तब सवाल हमने बनाया था ओरिजिनल वाले लेक्चर्स में देखेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन होती थी। मान लो कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू होता तो फ्रिक्शन का वर्क डन आता, तब अपन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाते, तब ये सवाल मेडिकल से पहुंच जाता जेई पे। हमने उसको सॉल्व किया है जेई वाले लेक्चर्स में। आप जब यहां से यहां तक जाएगा फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का योगदान उसमें आएगा, फिर आप लगाएंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में, वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली बॉडी आपकी रेस्ट पे थी चेन। अच्छा भाई साहब, तो ये तो बहुत ही रद्दी सवाल हो गया हमारे वाला। मैंने कहा हमारे एग्जाम में ऐसा ही आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, टू ने टू की बत्तियां फुल कर दी तो आपकी रफ्तार क्या हो जाएगी चेन की, जीएल मीटर पर सेकेंड, रूट जीएल मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार, ओहो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह का कोई सवाल आए तो आप कर लेंगे भाई साहब, खूब सारे सवाल आपने देखिए। क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, कितनी हुई है, मैंने कहा mgh, टोटल लेंथ l है, सेंटर ऑफ मास l / 2 पे था, तो mgh ये हो गया इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, 2 से 2 कट गया है, m से m कट गया है, v की वैल्यू आ रही है रूट gl, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। मान लो कि मैं एक और सवाल बनाऊं आपके लिए, मान लो कि मैं आपको बोलूं, मान लो कि मैं आपसे बोलूं, क्या बोले जरा ध्यान से देखें थोड़ा सा, मतलब मान लो एक आध डिफिकल्ट सवाल कर लेते हैं। आप जानते हैं कि mgh में h क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की हाइट, क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की हाइट। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मान लो कि मैं आपको बोलूं, मान लो कि आपको मैं बोलूं कि ये जो चेन थी आपकी, चेन वाला इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि चेन वाला सवाल नीट वालों के लिए थोड़ा फेवरेट है, बहुत सारा पूछा जाता है। मान लीजिए कि भैया ये आपका चेन जो है वो ऐसे रखा हुआ था, क्या है ये एक पाइप है जिसके बीच में रख दिया है, कैसा पाइप है, निका सेमी सर्कुलर है, माना कि इसका रेडियस आपके लिए आर है और टोटल मास जो है वो आपका इस चेन का वो आपको एम दिया हुआ है, टोटल मास क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, और यहाँ पे ये जो स्मूथ है ये क्या है, स्मूथ है, ये क्या है, स्मूथ है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, मैंने हल्का सा जर्क लगाया यहाँ पे, क्या लगा दिया है, जर्क लगा दिया है, तो क्या होगा, अब ये बैलेंस थोड़ा सा मैंने जर्क लगा दिया तो ये चेन बाहर फंकने लग जाएगी, क्यों भैया, क्योंकि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तुरंत फंक के इधर आएगी, है ना। अच्छा, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पूरी की पूरी चेन बाहर आ जाएगी, यानी ऐसे जस्ट पूरी पूरी वर्टिकल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये जस्ट वर्टिकल हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
जस्ट वर्टिकल हो जाएगी, है ना। तब इसकी रफ्तार वी है। आपसे पूछा जाए कि जब जस्ट वर्टिकल हो जाएगी तब रफ्तार बताइए, जब जस्ट वर्टिकल हो जाएगी तब उसकी रफ्तार बताइए, क्या बता पाइएगा? बता पाएंगे? इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक दो फोर्स इन्वॉल्व है, एक नॉर्मल रिएक्शन, उसका वर्गन जीरो है, फ्रिक्शन है ही नहीं, और दूसरा है ग्रेविटी। तो क्या कंजर्व होना चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए। क्या कम हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है। क्या बड़ा है? बड़ा है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी में जितना कम हुआ है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में कितना बड़ा है, काइनेटिक एनर्जी कितना बड़ा है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो भैया हमें पहले रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात करेंगे पहले अपन एक रेफरेंस लेवल लेंगे। ये आपका रेफरेंस लेवल हो गया है, मान लिया। अब आप बोलिएगा कि आप यहाँ रेफरेंस लेवल कहाँ लिए? अब तेरी मर्जी, कराची में ले लाभ, जहां लेना है ले ले, है ना, जहां लेना है ले भाई साहब। लेकिन भैया ऐसा लो कि जहां से आपको हाइट लेना इजी पड़ जाए। अरे हाँ, डिफरेंस लेते हैं भाई, फिर वो माउंट एवरेस्ट पे ले ले ले, फिर वहां पे ये और ये जो भी होगा उनका डिफरेंस तो वही आएगा, है ना। तो रेफरेंस ऐसा लीजिए कि जहां से हाइट और जो लेंथ है सेंटर ऑफ मास की परपेंडिकुलर दूरी, उसको मेजर करना इजी हो। अब मैंने रेफरेंस लेवल यहां पे ले लिया है, तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था, COM यहां पे था, और कितनी दूरी पे होगा भाई साहब? 2r/π। आपको याद है क्या? आपको याद है क्या? सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे योगदान आ जाएगा। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्री देवी, ये हाफ रिंग बन गया है। क्या बन गया है? हाफ रिंग बन गया है। और हाफ रिंग के लिए आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो 2r/π पे होता है। ये यूनिफॉर्म रिंग बन गई ना यार, हाफ रिंग, उसका सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर से कितना दूर होता है? 2r/π। अब ये तो पता होगा ना यार, ये पता होगा, नहीं पता हो तो एक बार फिर से रिवाइज करना। क्या? सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी कि सेंटर ऑफ मास को रिवाइज करना। मैंने कहा अच्छा, और फाइनली जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहाँ इसके मिड पॉइंट पे, यानी ये वाली दूरी अगर L/2 हो जाएगी, और L की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा भैया 2πr टोटल होता है, तो πr हो जाएगी, यानी ये वाली दूरी आपके लिए क्या हो जाएगी? πr/2 है। इतनी हाइट थी पहले, इतनी हाइट है आपकी नीचे। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, कितना पोटेंशियल एनर्जी में कम होगा? इजी गल्लू कहने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना कम होगा? जरा ध्यान से देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना कम हुआ है। आप बोलिए साहब mgh है, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया है, यानी कि 2r/π प्लस आपके पास क्या हो जाएगा? 2r/π प्लस आपके पास L/2 जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी πr/2। टोटल लेंथ इसकी πr और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है, तो πr/2 इतना आ गया है क्या? सेंटर ऑफ मास नीचे, दैट इज इक्वल टू हाफ mv2, दैट इज इक्वल टू हाफ mv2। क्या अगर आप ध्यान से देखें तो भी यहां से निकाला जा सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो सवाल बनाए जा सकते हैं आपके लिए, कोई उसमें कष्ट वाली बात नहीं है, आप सॉल्व कर लेंगे। अब एक आध सवाल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन पावर पे। खूब ऐसे सवाल आएंगे और आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए एक आध सवाल जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। एक सवाल देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए। मान लो कि मेरे पास एक बॉल है, इसका मास m है, m की वैल्यू मान लीजिए आपको 0.5 दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको रफ्तार दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बॉल इधर धरातल पे जा रही है, स्मूथ धरातल है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रखी है, मैंने कहा ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के जो है वो आपको 50 N/m दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। यानी कि ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, और ये आया था आपके 2004 के नीट में, ऐसा शायद 2004 के आसपास की नीट में ये सवाल पूछा गया था। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। बॉडी का मास आपको 0.5 दिया हुआ है, रफ्तार 1.5 मीटर पर सेकेंड है, और ये यहाँ पे सरफेस है स्मूथ, यानी कितना आसान है। स्मूथ नहीं होती तो फ्रिक्शन का वर्कडन आता, लेकिन यहाँ तो स्मूथ दिया, एकदम लल्लू पुल्लू सवाल यार। तो ऐसे ही सवाल आते, डरने की कतई जरूरत नहीं है।
अच्छा क्या है? किस तरह से करते हैं ऐसे सवाल? अरे ये बॉल आएगी यहां से यहां तक आने में उसकी रफ्तार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब यहां पर टकराने लगेगी तब रफ्तार कम होने लगेगी क्योंकि ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगी। ओ स्प्रिंग का भी रोल आएगा, मैंने कहा उसका वक्र आएगा, मैंने कहा कैसा होता है, मैंने कहा वो भी कंजर्वेटिव होता है। अच्छा ये तब तक आगे बढ़ती जाएगी जब तक ये रुक नहीं जाती। एक स्टेट ऐसा आएगा, एक स्टेट ऐसा आएगा, मैंने कहा टक 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 टक, यहाँ पे देखिए ये बॉल यहाँ आ गई है, रफ्तार इसकी जीरो हो गई, इधर की तरफ क्या हो गई है 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपका मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपका एक्स मैक्स है, ये आपको पता करना है। फिर क्या होगा, मैंने कहा फिर ये बॉल पे स्प्रिंग उधर फोर्स लगाएगी, बॉल लौट के वापस आ जाएगी, आगे की जानकारी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें क्या पता करना है मैक्सिमम कंप्रेशन पता करना। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को सिस्टम ले लें तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। पहले काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मान लो कि मैंने रेफरेंस यहीं ले लिया है और ये अपनी नेचुरल लेंथ में थी तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो मान के चल रहा हूं। लेकिन इस वाली कंडीशन में ये आपकी इनिशियल कंडीशन थी, हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पता कर लीजिए जब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी हो। फाइनल कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखें तो रफ्तार जीरो हो गई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गई है, यानी कि स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी अब आ गई है कि कितनी आ गई है, हाफ की एक्स स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें तब्दील हो गई है, हाफ की एक्स स्क्वायर में तब्दील हो गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप बोलेंगे साहब हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर है, एम की वैल्यू क्या है 1/2 है 0.5, वी स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर और एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो एक दो से दो की बत्तियां कुल कर दीजिए, ये आपके पास हो गया है 9 डिवाइडेड बाई 4 × 2 8 डिवाइडेड बाई 50, इतना का रूट, इतने का रूट, दैट इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स मैक्सिमम 9 का आ जाएगा बाहर की तरफ 3, एंड ये है आपके पास बेसिकली ये क्या है 9 डिवाइडेड बाई 400 जो कि आ जाएगा 20, इतना आपके पास क्या होगा मीटर हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा आपके पास मीटर, आपके पास जो है एक्स मैक्सिमम आ जाएगा। अगर आप इसको और सस्ते से करना चाहें तो पॉइंट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 30 है ना, और ये 1.5 यानी कि 0.15 मीटर जो है ये आपका मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लल्लू बल्लू सवाल, मतलब इसको थोड़ा टफ करना होता तो क्या डालते हैं अपन, फ्रिक्शन डालते है ना। आप जानते हैं कि टफ करना जरूरी नहीं है, इजी वाले को जल्दी सॉल्व करना आपके एग्जाम की डिमांड है, बाकी टफ करके हमने बहुत ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप उसको डिटेल्स में देखिएगा। लेकिन ये ऐसे लल्लू बल्लू सवाल आपसे सही होने चाहिए एग्जाम में, इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब और भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे, आप सारे प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर डालिए, जितने भी बुकलेट के सवाल आपने पहले सॉल्व किए हैं, जो स्टार मार्क किए हैं उसको पूरी शिद्दत से दोबारा सॉल्व कीजिएगा, जितने भी टेस्ट पेपर हो रहे हैं पूरी शिद्दत से टेस्ट होने के बाद में उनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आपसे जो मिस्टेक हो जा रही है उसको कॉपी में लिखते जाइए ताकि आप एग्जाम दर एग्जाम, अभी रिविजन हो रहा है, खूब सारे एग्जाम आपके हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आपका फिर से एग्जाम हो रहा है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो मिस्टेक आपके प्रीवियस एग्जाम में हुई है ना, उससे कम मिस्टेक आप जो है नेक्स्ट वाले एग्जाम में करें ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो टोटल स्कोर में। अच्छा भाई साहब आइए काम की बात करते हैं, दोबारा लौटते हैं आगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे खूब सारे सवाल आपको मिलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लास्ट एंड फाइनल अपन बात करते हैं पावर की, किसकी पावर की। इस चैप्टर में तीन नाम आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिए थे, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क करने के लिए हमें जरूरत होती है यानी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, और जिस रेट से वर्क किया जाता है बेसिकली जिस रेट से एनर्जी सप्लाई की जाती है वही आपके लिए क्या हो जाता है पावर हो जाता है। आइए लास्ट एंड फाइनल बातें करते हैं पावर की, क्या होता है पावर जरा ध्यान से देखें, पावर वाट में जिसको मेजर किया जाता है, वर्क डन, पावर की अगर बात करें पावर तो ये होगा टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, टोटल टाइम अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको एवरेज पावर देगा, क्या देगा आपको एवरेज पावर देगा, यानी जूल पर सेकेंड, क्या चीज जूल पर सेकेंड, जिसी आइटम को प्यार से क्या लिखते हैं अपन वॉट यूनिट
की होती है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें, इंस्टेंटेनियस पावर भी क्या कोई चीज होती है? मैंने कहा हाँ, इंस्टेंटेनियस अगर पावर की बात करें, तो ये वर्क आपका हो जाएगा एफ डॉट डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, तो ये बन गया आपका एफ डॉट वी। क्या बन गया है? एफ डॉट वी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होता, लेकिन क्या इंस्टेंटेनियस पावर होती है? मैंने कहा हाँ, किसी इंस्टेंट पे कितना एनर्जी जो है सप्लाई किया जा रहा है, वही आपका पावर हो जाएगा, यानी एफ डॉट वी। एफ डॉट वी डॉट आपको लेना आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको कोई वैल्यू देता हूँ, मान लो कि हमारे पास एफ दिया हुआ है, टू टी आई कैप प्लस थ्री टी स्क्वायर जे कैप। न्यूटन जो है ये फोर्स लग रहा है और एक बॉडी है। अच्छा भाई साहब, ये फोर्स लग रहा है और आपसे ये पूछा गया कि एक बॉडी जो है उस पे कितना पावर डिलीवर करेगा ये फोर्स, अच्छा बहुत बढ़िया। ये सवाल लगभग इसी तरह का सवाल आपको नीट 2016 में पूछा गया। कब? नीट 2016 में। अच्छा भाई साहब, अगर मान लेते हैं कि बॉडी का मास क्या है, मास मान लेते हैं कि 1 kg है और टी इज इक्वल टू जीरो पे मान लीजिए बॉडी कहाँ थी, रेस्ट पे थी, यानी कि यू आपका जीरो है। कुछ ऐसा ही सवाल नीट 2016 में पूछा गया। आइए सॉल्व करते हैं। मान लो बॉडी का मास 1 kg था और टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉडी थी रेस्ट पे, यानी इनिशियल स्पीड उसकी क्या है, रेस्ट है। आपसे क्या पूछा गया है? किसी टाइम टी पे पावर पूछा गया है। बहुत बढ़िया भाई साहब, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पावर पता करने के लिए किसी इंस्टेंट पे एफ डॉट वी करना पड़ेगा। एफ तो आपको पता है, लॉस भी चाहिए। अच्छा, फोर्स दिया हुआ है, क्या एक्सेलरेशन पता किया जा सकता है? मैंने कहा एक्सेलरेशन होती है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास से 1 kg उसको डिवाइड करेंगे तो ये कार्यक्रम हो जाएगा 2 t i कैप 3 t स्क्वायर j कैप m² स्क्वायर, या आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं? डीवी डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा। तो अगर आपको डीवी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 2 t dt i कैप में इंटीग्रेट करेंगे, v चाहिए तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और यहाँ आ जाएगा 3 t स्क्वायर dt, और ये कार्यक्रम होगा जे कैप में, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम आपका जा पास जा रही है, वी जा रहा 0 से v तक, टाइम 0 से t तक, 0 से लेके t तक। अगर 2t के इंटीग्रेशन की बात करें तो वो जाएगा 2 t स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 उड़ जाएगा, यानी कि ये t स्क्वायर i कैप आ जाएगा और ये t क्यूब j कैप आ जाएगा। ये है आपके पास वेलोसिटी। ये क्या है? t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप मीटर। ये वेलोसिटी आगे किसी भी टाइम पे। अब आपको पावर चाहिए तो क्या करिएगा? f डॉट v कर दीजिए। f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू है 2 t i कैप प्लस 3 t स्क्वायर j कैप, का डॉट लेना है v के साथ में। v की वैल्यू है t स्क्वायर i कैप t क्यूब j कैप। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो डॉट लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2 t क्यूब। ये क्या हो जाएगा? 2 t क्यूब, और ये आ जाएगा आपका 3 t की पावर 5। इतना वॉट आपके पास एफ डॉट बी आ जाएगा। देख, आसान सवाल, सरल सवाल है भैया आपके लिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे देख ऐसे ही सवाल आते हैं, क्या डिफिकल्ट सवाल नहीं होते? होते हैं, क्या मैं नहीं जानता? जानता, पर अपने एग्जाम में आते नहीं है यार, है ना। तो ऐसे सवालों की खूब सारी प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के सवाल ऐसे टकाटक सॉल्व करें। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल पे ना बढ़ा जाए, मतलब ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करें। बाकी डिफिकल्ट आपने नोटबुक में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उतना काफी है। फिर अपना टारगेट तो मतलब वैसे भी ओलंपियाड लेवल का है नहीं, बाकी के बीआई में जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा पढ़ लें, और नीट के लिए कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवालों की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब थोड़े बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देख रखे हैं तो बहुत बढ़िया, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि डिफिकल्ट सवाल बिल्कुल नहीं आ सकता। अरे, हो सकता है कि अगले साल का पैटर्न में थोड़ी सी डिफिकल्टी डाल दी जाए। जैसे 2015 की बात करें, उसमें रिलेटिवली टफ सवाल थे, उसके बाद 19 की बात करें या 20 की बात करें तो एकदम मतलब
वेरी इजी आतू है ना, लेकिन हमें करना है, मतलब जैसा हमारा पैटर्न क्या रहेगा, डिफिकल्टी क्या रहेगी वो हमारे हाथ में नहीं है, बस जैसा भी रहे हमें उसमें बेस्ट करना है, हमें उसकी उसी के लिए तैयार होना है और हम हर सवाल को टैकल कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और सॉल्व करते हैं, बहुत सारी बातें होंगी, ये वर्क पावर एनर्जी में इतना ही है लाला, बस इतना ही खेला है, बाकी सवाल तो इन्फाइनाइट बनाए जा सकते हैं। मान लो कि गोडी है, मान लो कि गोडी है, अच्छा भाई साहब उस पर कोई मशीन पावर डिलीवर कर रही है, ऐसे ऐसे सवाल खूब सारे आते हैं। मान लो कि एक सवाल अपन देखते हैं, ऐसा बोलते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, इसका मास क्या है m है, हमारे पास एक मशीन है जो कि पावर डिलीवर कर रही है और वो पावर जो डिलीवर किया जा रहा है, पावर मान लो कि के पावर डिलीवर कर रही है, क्या कर रही है, पावर के जो है डिलीवर किया जा रहा है, के वॉट जो है पावर ये मशीन जो है इस वाली बॉडी पे डिलीवर कर रही है। t = 0 पे इस बॉडी की इनिशियल जो स्पीड है, वो क्या है भाई साहब, इस बॉडी की जो इनिशियल स्पीड है यानी कि u, वो आपकी है 0, वो क्या है 0 है। अच्छा भाई साहब मुझे आप बताइए कि किसी टाइम t पे f एज ए फंक्शन ऑफ t, बताइए अगर पावर डिलीवर कर रहा है तो कोई फोर्स होगा ना, तो टाइम का फंक्शन वो फोर्स क्या है। ये सिमिलर टाइप का सवाल आपको नीट 2015 में पूछा गया था, है ना, ऐसे ही हम एक दो सवाल देख लिए, जस्ट आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि कितना आसान है बस आपके लिए सब सॉल्व करना। अब देखिए जरा, एक बॉडी है उस पर पावर, एक मशीन है जो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही है, कि t = 0 पे इनिशियल स्पीड इतनी इतनी है, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पावर दिया हुआ है, यानी कि आपको f डॉट v दिया हुआ है, f डॉट v आपको क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ। अब आप ध्यान से देखें तो ये f v cos थीटा होगा, एक बॉडी रुकी हुई है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आएगी, तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि f और v के बीच का एंगल 0 होगा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू आपके पास हो गया है k, f को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा ये m * v है और v को लिख सकते हैं dv / dt, that is into v is equal to k है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से मैं v dv को क्या लिख सकता हूं, k बटा m dt इंटीग्रेट कर डालिए दोनों साइड, टाइम आपका 0 से लेके t तक जाएगा, t = 0 पे रफ्तार आपको 0 दी हुई है, ये बोला गया है कि बॉडी कहां पे थी, रेस्ट पे थी, और t = t पे मान लो कि इसकी रफ्तार क्या हो गई है, v हो गई है, v dv का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये v² / 2 आ जाएगा, लिमिट आपका 0 से लेके v तक है, k बटा m into t है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, v² / 2 इसी कल्टू हमारे पास क्या आ गया है, kt / m है, तो यहां से v की वैल्यू क्या आ रही है, v की वैल्यू आ रही है twice of kt / m का root है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या निकलना था हमें, हाँ, ये वी मिल गया भाई साहब बहुत बढ़िया, हमें क्या चाहिए था एक्सेलरेशन, हमें क्या चाहिए था एक्सेलरेशन, अल्टीमेटली पूछा क्या है फोर्स पूछा है ना, तो हमें वी मिल गया है बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत शानदार, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, डिफरेंशिएट ताकि क्या मिल जाएगा ए निकालना है अपने को, तो dv / dt क्या करते हैं dv / dt उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें, 2k/m का रूट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, t^2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 आपका नीचे आ जाएगा, और 1/2 - 1 यानी कि t^-1/2 ये आपका एक्सेलरेशन आ गया है, आपको चाहिए फोर्स, आपको फोर्स चाहिए तो m * a कर दीजिए, यानी m से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, m से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m और ये रूट m है, ऊपर की तरफ m चला जाएगा और ये 2 से ये रूट 2 बच जाएगा, तो हमको लगता है कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी m k/2 का रूट इंटू t^-1/2, ये वैल्यू जो है m k/2 का रूट इंटू t^-1/2 ये आपका फंक्शन आ जाएगा फोर्स किसी भी टाइम टी पे। तो इस तरह से ऐसे हजारों सवाल बनाए जा सकते हैं, आप जानते हैं, कुल मिला के मेरा कहने और समझाने का तात्पर्य ये था कि भैया आप जो है ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इतने ही है, और अपनी कॉपी के नोट्स देख लीजिए, है ना, इनसे ज्यादा कोई चीज नहीं होती है, फिर आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कीजिए,
पेपर के सारे सवाल सॉल्व कीजिए, जो भी पेपर आज तक हुए हैं और जो भी अभी होने वाले हैं उनको पूरा वापस घर जाके यानी टेस्ट के बाद में उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट रहता है उसको पूछिएगा अपने रिस्पेक्टिव टीचर से, है ना भाई साहब, बस यही जरूरी है। और इसके अलावा कोई बहुत थ्योरी पार्ट में या कोई कॉन्सेप्ट वाइज कोई नई चीज है नहीं, मतलब है ना। तो फिर वर्क पावर एनर्जी में इतनी बातें तो हमने लगभग लगभग सारी कर दी है, पता नहीं को तो मैं फिर भी सवाल और बढ़ाते जाएं, सवालों की कोई लिमिट नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको जस्ट करना है सारे प्रीवियस ईयर के सवाल, आप चाहें तो नीट और एम्स दोनों के कर डालें। एआर वाले सवाल सॉल्व करने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि अब एआर वाले सवाल आते नहीं है, तो वैसे एआर वाले सवालों में ए एंड बी में काफी कंफ्यूजन होता है, आपका टाइम वेस्टेज उसमें ना हो बस। और बाकी ऑब्जेक्टिव वाले सवाल आप जितने ज्यादा सॉल्व करें आप कीजिएगा, सारे प्रीवियस ईयर की एम्स एंड नीट के सवाल सॉल्व कर डालिए, पेपर को बहुत ईमानदारी से दीजिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को मोटिवेट रखिए, और सबसे ज्यादा अपने आप को ये बता दीजिए कि आप इनफैक्ट इतने ज्यादा क्वालिफाइड हैं इस एग्जाम के लिए कि जितनी जरूरत भी नहीं है, मतलब आप जो है ना बहुत अच्छे हैं, क्रीम आउट ऑफ क्रीम है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, बस आपको खुद को पता होना चाहिए आप कितने अच्छे हैं, आपको उस पे कॉन्फिडेंस रखिएगा और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वाले चैप्टर में, तो रिविजन का खेला है तो यहीं पर खत्म, इसको डिक्लेयर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।